हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरदित सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु चिकित्सा गुरु में। दोस्तों, एक बार फिर से साहिवाल ब्रीड आपके सामने। सभी भाई दर्शन कर लें गौ माता के जी, और सभी भाइयों को फिर से नमस्कार करता हूं जी। और आज की बातचीत है जो ओंकार भाई साहब से, और अपनी लोकेशन है जो राजस्थान श्री गंगानगर से है जी। क्वालिटी आप देख सकते हो किस प्रकार की है जी। सभी गौ माता है जो सेल के लिए अवेलेबल रहती है जी, 24 घंटे। लगभग 50 से 60 गाय इनके पास सेल के लिए, और बच्चियां हैं जो हाइफर हैं वो भी इनके पास सेल के लिए हैं जी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जी, बहुत पुरानी लाइन है इनके पास। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया। ओंकार भाई साहब, पहले तो जो दर्शक हैं, जो अपने किसान भाई देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझा दो किस प्रकार की लाइन आपके पास जी। लाइन तो जी सामने है सभी के। कितनी पुरानी है जी? पुराने का जी, हमने जब से समझ पकड़ी, हमने तो गाय का काम देखा था हमारे घर पे तो जी। और रेट का क्या चक्कर रहता है जी? रेट सर जी, अगर अच्छी गाय लोगे तो 50+ ही चलना पड़ेगा। ऑफर वाला सिस्टम कोई जी? ना ना जी, कोई ऑफर नहीं। दूध का क्या डिटेल रहती है जी? दूध ये 14-15-16 लीटर तक। 20-20 लीटर वाली भी गाय है क्या आपके पास जी? नहीं है जी। साहिवाल में मिल जाती है 20 लीटर वाली जी? सर जी हमने तो नहीं देखी, पर लोग YouTube पे बोलते हैं 20 लीटर दे देगी, 25 लीटर दे देगी। साहिवाल तो नहीं देगी, कोई क्रॉस दे देगी तो पता नहीं। जी जी जी, क्रॉस वाली गाय है जो 20 लीटर दूध दे सकती है, लेकिन प्योर साहिवाल। कुछ रिकॉर्डेड गाय है जो रिकॉर्ड करवाया भी है, लेकिन उसकी लाइन अपने पास नहीं है। 14-15 लीटर वाली तक की लाइन है इनके पास, और आराम से इतना दूध आप निकाल सकते हो अगर इनके जैसी आप सेवा करोगे। देखो, ये कम से कम 70 से 75 गाय यहाँ पे इनके इस गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और उस बीच भी अच्छा दूध निकाल रहे हैं। लेकिन जब कोई भी गौ माता एक हो जाती है, उसकी सेवा अच्छी हो जाती है, तो दूध और भी आप ज्यादा निकाल सकते हो। ये तो बात जानिए ना ओंकार भाई साहब, है ना? तो इस जो बुल की है इनके पास जो लाइन है, जो सभी गाय क्रॉस है इस बुल से है जी, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है ये बुल इनको। क्वालिटी आपके सामने दोस्तों, ये बच्चियां हैं जो इनका इनके पास इसी बुल की हैं जी। तो सभी गौ माता जो 24 घंटे इनके पास सेल के लिए अवेलेबल रहती हैं, कोई भी भाई इनको फोन करके किसी भी गौ माता की जानकारी ले सकता है, डिटेल ले सकता है। और ओंकार भाई साहब, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सिस्टम कैसे है जी, क्या चक्कर है उसका भी बता दो। ऑफलाइन है, जो भी भाई वीडियो देख रहा है, अगर किसी भी कोई भी स्टेट से हो जी, अगर ये नहीं है भाई वीडियो देख लिया अभी गाय खरीदे या ना खरीदे, फोन करे कोई भी स्टेट से है अपने जी, उधर के स्टेट से कोई भाई जानकर उससे बात करवा दें जो हमसे गाय लेके गया जी जी जी, आप पता कर सकते हो कैसी गाय लेके गया जी, कैसी गाय आगे जाके निकली जी, 7 महीने प्रेग्नेंट लो, 8 महीने लो, ब्याई हुई लो, ब्याने वाली लो, कैसी भी लो मिल जाएगी। किस प्रकार का पशु लेना चाहिए जी, किस प्रकार की गौ माता है जो लेनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट में अच्छी रहती है जी? देखो डॉक्टर साहब, अभी जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र 2-2 हजार किलोमीटर जाती है, तो लगभग 7-8 महीने प्रेग्नेंट गाय आती है जी। लोग पैसों के लिए दे देते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं, पर आगे जाकर दूध नहीं देती। जी जी जी, सही बात है जी। प्रेग्नेंट गाय लो, वो तसल्ली, एक महीना लगभग, जैसे 2000 किलोमीटर का सफर है तो लगभग 1 महीना कच्ची गाय होनी चाहिए जी। ताकि वो वहाँ पे जाके सर्वाइव हो जाए, अपने जो एनवायरनमेंट है, एटमोसफेयर है, उसमें वो डल जाए, जिससे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेती है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो जन्म, जब बच्चे को जन्म देती है तो अच्छा दूध भी बना जाती है, आप उसकी सेवा भी अच्छी घर पे कर लेते हो। तो प्रेग्नेंट वाला सिस्टम बहुत अच्छा रहता है जी। मैं तो सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, जैसे दूर का सिस्टम है तो उसमें आप प्रेग्नेंट गौ माता ही खरीदें। तो ओंकार भाई साहब दिखा रहे हैं, देखो आपके सामने बछिया की क्वालिटी जी। अभी थोड़ी मौसम की वजह से जो हरे चारे की हमारे यहाँ पे कमी है, उसी के कारण है थोड़ी सी शाइनिंग कम है सभी गौ माता में। तो जैसे ही यहाँ पे अच्छा फूड, अच्छा खाना मिलेगा, तो वो अच्छी गौ माता दिखने लग जाएंगी जी। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये है, जो भाई नहीं आ सकता वो ऑनलाइन के चक्कर में फंस जाता है, तो उसके पास अच्छी चीज आती है जी। अभी देख लो ये गाय सामने खड़ी, अभी वीडियो में इस गाय को ये संपूर्ण है, कोई जी कमी नहीं है गाय के अंदर जी। पर इसके नजदीक आके जो फर्स्ट देखेगा ना जी, इसके थन दो ही है जी। वीडियो में मैं भी इसको बोल दूं 4 थनिया बिल्कुल सही है जी, पर जो पास में आके रियल चीज देखेगा ना, बहुत फर्क है जी। तो इस चीज का ओंकार भाई साहब और सभी जो किसान भाई देख रहे हैं, हमेशा ही फर्क रह जाता है ऑनलाइन सिस्टम में, कि आप झूठ बोल के किसी भी चीज को बेच सकते हो, लेकिन पहुंचने के बाद अगर आप दुख, जो अपने को गालियां और बद्दुआ देता है, वो सारी उम्र अपने उसको वापस नहीं ले सकते जी। तो इसी कारण है जो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि किसी के भाई बहकावे में, किसी के बातों में आके वो ऑनलाइन किसी भी चीज को मत खरीदें। पहली बात तो आप देखें, डॉक्टर
परखें और खरीदें जी। गंगानगर बेल्ट है, ऐसा नहीं है भाई, सभी व्यक्ति चोर है जी। आपने एक बार जिसके भाई के पास आके गाय खरीदे, अगर आपको लगता है वो विश्वास वाला आदमी है जी, तो आप उससे गाय खरीदो जी। ये नहीं बोलता हूँ आप ऑनलाइन लो ही मत, लो विश्वास वाले से जी। नहीं, जो धंधा करने वाला आदमी है उसको पता है जी, जो पहली बार खरीदता है उसको थोड़ी सी अनजान सिस्टम रह जाता है और उसको समझ में भी नहीं आता। शुरुआत जो सिस्टम कर रहे हैं ना, उससे अनुरोध करूंगा कि पहले आके देखे, समझे किस प्रकार से पशु गोमाता को रखना है, खाना खिलाना है, किस प्रकार से सिस्टम करना है। और जो सेल का सिस्टम यहाँ पे अपने गंगानगर में चल रहा है उसमें कितनी फ्रॉडबाजी है वो भी पता लग जाती है यहाँ पे पहुंचने के बाद। तो ओंकार भाई साहब, जैसे आपके पास कोई भी किसान भाई पहुंचता है तो उसको रहने खाने की सुविधा कुछ भी उसके बारे में? कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, गंगानगर पहुंचने के बाद उनको ले आएंगे घर से 2-3 दिन 4 दिन कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, एक नॉलेज और भी सीखने को मिलती है भाई, इधर आने के बाद जैसे हमारे 60-70 गाय है जी जी, हम इनका कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, कैसे इनका दूध निकाल रहे हैं जी, आके 2 दिन पूरा ट्राई कर सकते हैं जी जी जी। और भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ हमने गाय नहीं दी जी जी जी। आप कोई भी स्टेट से एक बार कॉल करें, हम वहाँ के आपके नजदीकी से आपसे बात करवा देंगे, कैसा आदमी है, कैसी गाय है जी, सब कुछ आपको डिटेल वहाँ से मिल जी जी। तो सभी किसान भाइयों को धन्यवाद करता हूँ वीडियो एंड तक देखने के लिए, और अनुरोध करता हूँ कि जो भी गाय जो भी किसान भाई अपनी वीडियो देखते हैं और आगे के आगे शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि अपने को जो थोड़ा सहारा मिल जाए चैनल को आगे बढ़ाने का। हम तो गरीब जो यूट्यूबर हैं जी, तो आपके माध्यम से ही अपने बड़ा बनना है जी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।